में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दे दी है। मखसूस महकमों के सरकारी मुलाजमीन के लिए 15% स्पेशल अलाउंस की भी मंजूरी दी गई है। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% और पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दे दी है। मखसूस महकमों के सरकारी मुलाजमीन के लिए 15% स्पेशल अलाउंस की भी मंजूरी दी गई है। आसिम नसीर हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। आसिम बताइएगा। पंजाब के ग्रेड 19 तक के सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों के हवाले से जो खबर चल रही थी उस पर अभी मलिक अहमद खान से बात हुई तो उनका कहना है कि पंजाब ने अभी 15% जो तनख्वाहों में है उसमें इजाफे की मंजूरी दी है। पंजाब कैबिनेट ने पेंशन में 5% इजाफे की मंजूरी दी है और इसी तरह जो मखसूस महकमों के सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए कोई 15% का स्पेशल अलाउंस उसकी मंजूरी दी है। तहम उसका अभी बजट की तकरीर के अंदर ऐलान किया जाएगा। कैबिनेट अजलास में सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2022-2023 की मंजूरी दी गई। कहा जा रहा है कि 32 तकरीबन 3.2 खरब का होगा, 3200 अरब का होगा। तो इसके साथ साथ कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फरहमी के लिए भी एक MOU की मंजूरी दी गई है और इजलास में पंजाब कमीना के पहले इजलास के फैसलों की भी तौसीक दे दी गई है। जी ठीक है आसिम, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।